एक और इसमें कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज लेवल एलिवेट किया हुआ है, बट इतना नहीं है कि आप उसको कह सकेंगे आपको डायबिटीज है, बट ये वो सिचुएशन है कि आप ये कह सकते हो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड गेटिंग डायबिटीज लेटर इन लाइफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक, हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को आईटी से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं और उसके साथ साथ ख्वातीन के हवाले से डिफरेंट लाइफ कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सके। हमारा ये जो शो है हम और आप विद पीएनवाई, इसमें हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, कभी एजुकेशन पर बात करते हैं, कभी हेल्थ पर बात करते हैं। तो आज भी हम हेल्थ पर बात करेंगे, स्पेशली डायबिटीज़ पर बात करेंगे कि जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और स्पेशली उन लोगों को डायबिटीज़ है तो वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस कोमल तहावर खान साहब मौजूद हैं और उनका मैं अगर तारुफ करवाऊँ, वो डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स हैं, उसके साथ साथ वो CEO हैं इलाइट न्यूट्रीफाई की। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सो मच माफिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच मिस। माशाल्लाह से इतना एक्सपोजर है आपका इस फील्ड में, स्पेशली न्यूट्रिशन में, और आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं। आपने माशाल्लाह अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई है जिसमें आप देख रही हैं लोगों को। तो हम देखते हैं रमज़ान में स्पेशली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी लोग रोज़े रखते हैं, स्पेशली जो हमारे बड़े और बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अगर डायबिटीज़ भी है तो वो कोशिश करते हैं हमारे रोज़े ना छूटें। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि सबकी डेफिनेशन जो डायबिटीज़ की है ना वो ज़रा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा हमें डायबिटीज़ के हवाले से गाइड करें। ओके माफिया, डायबिटीज़ बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक नॉर्मल सिस्टम होता है और एक ग्लूकोज का हीमोस्टेसिस होता है और बैलेंस होता है जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है। लाइक अगर आप कोई भी फूड लेते हैं, आप ग्लूकोज ले रहे हैं और आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो इंसुलिन, आपका एक ग्लैंड है पैनक्रियास, वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसको वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स। जब भी हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं या हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप करता है तो हमारी ही बॉडी जो पैंक्रियाज है वहाँ से ग्लूकागॉन एक और हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है और वो क्या करता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म जिसमें एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को वो इंक्रीज कर देता है। सो बेसिकली हमारा एक नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जो कि मेंटेन हो रहा होता है। डायबिटीज़ में ये होता है कि ये जो हमारा बैलेंस होता है और ये सिस्टम होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। सो डायबिटीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें अगर देखा जाए तो 5-10% ऑफ डायबिटीज़ हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि बच्चों में और जो इन्फेंट्स हैं और चिल्ड्रन हैं उनमें होती है। यही रीज़न है कि उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारा पैंक्रियाज है वो या तो बहुत कम इंसुलिन बना रहा होता है या फिर वो बिल्कुल ही नहीं बना रहा होता। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। एक और फॉर्म होती है जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट है विच इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है बट ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू ओबेसिटी इंसुलिन जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता, उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो एलिवेट कर जाता है और वो आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। अब इसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी तो इंसुलिन बना रही है बट वो सर्टन फैक्टर्स और जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली ओबेसिटी की कॉज होती है उसकी वजह से एक्ट नहीं कर रहा होता। और बट ये होता है कि स्टार्ट में तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ही होता है बट लेटर ड्यू टू द ओवरबर्डन ऑफ बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं उनकी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है इवन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी और उसकी वजह से टाइप 2 में भी जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है तो उन पेशेंट्स को फिर इंसुलिन पे आना पड़ता है। देन उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंट लेडीज़ में होती है उनमें उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ जो है वो डिवेल्प हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया
एनीमिया होता है, नॉट बिकॉज के उनमें इंसुलिन का कोई इशू होता है, बट ड्यू टू सर्टेन हॉर्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं और वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं. सो ये टाइम के साथ ठीक हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, बट ये है कि कुछ जो मदर्स होती हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है फॉर सर्टेन टाइम, क्योंकि वो रिस्क पे होती हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है कि लेटर इन लाइफ उनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है. देन एक और इसमें कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़. ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज लेवल एलिवेट किया हुआ है, बट इतना नहीं है कि आप उसको कह सकें कि आपको डायबिटीज़ है, बट ये वो सिचुएशन है कि आप ये कह सकते हो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड गेटिंग डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ. तो वो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है. और ये डिफरेंट थोड़ी सी फॉर्म्स हैं अगर हम ब्रीफली इसको डिस्कस करें. अच्छा मिस, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है. मिस, रमज़ान से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं. क्या जो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है वो रमज़ान में रोज़े प्रॉपरली रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं? माफिया, एक्चुअली जिनको डायबिटीज़ है और जो एक डिसीजन है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, आई वुड लाइक टू से कि इसको हमें अपने ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए. हमें जो भी बंदा है अगर वो रोज़ा रखना चाहता है उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. देन उसके बाद डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते. लाइक अगर कोई डायबिटिक है तो हमारे डिफरेंट गोल्स होते हैं कि हमने उसका HbA1c लेवल 7 से कम रखना है, हमने उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को 100-200 तक उसको मेंटेन रखना है. अगर तो वो मेंटेन हो रहा है और वो कंट्रोल्ड है देन आपको जो आपके डॉक्टर हैं वो अलाउ कर देंगे. बट इन सर्टेन केसेस, अब उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई होती हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क लेवल्स होते हैं. अगर तो कोई पेशेंट लो रिस्क पे है, लाइक उसकी ग्लूकोज लेवल जो है वो 100-200 तक बैलेंस हो रहे हैं, HbA1c लेवल भी उसका 7 से कम है, तो उन केसेस में लो रिस्क वाले पेशेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है. बट अगर कोई हाई रिस्क पे है जिसमें आप ये कह लें कि क्रोनिक डायबिटीज़ का केस है, देन उनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, उनमें न्यूरोपैथी है या रेटिनोपैथी आ चुकी है, और उसके बाद वो उनकी उनमें हाइपरग्लाइसीमिया भी ऐसा है कि वो अनकंट्रोल्ड है, उनकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही, फिर वो हाई रिस्क में लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ पे फिर डॉक्टर जो हैं वो उन्हें रोकना पड़ता है. बट अगेन इट्स इंडिविजुअलाइज्ड कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपकी रिपोर्ट्स और जो आपका शुगर लेवल है उसके बाद ही आपको सजेस्ट करें. मिस, आपने जिस तरह अभी बात की कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो ऐसी कौन सी हाइलाइटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो लोग सेल्फ मेडिकेशन समटाइम्स कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता, जो होगा देखी जाएगी, इस तरह हम लोगों की फैमिलीज में अक्सर लोग करते हैं, तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस मेनली आ सकती हैं जो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? माफिया, इसमें है कि एक तो आपको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और एक विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक के ड्यूरिंग फास्टिंग आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. अगर हम जनरल डायबिटीज़ की बात करें तो जब वो क्रोनिक हो जाती है तो देन उसमें किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, आईज हैं आपकी, नर्वस सिस्टम है, वो सारी अफेक्ट हो रही होती हैं, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूरोपैथीज हैं, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथीज हैं, तो वो डिवेल्प हो जाती हैं, और ये बहुत लाइक 10-20 ईयर्स अगर आपकी डायबिटीज़ है तो उसके बाद जाके चीज़ें आती हैं. बट अगर आपने कंट्रोल की हुई है प्रॉपरली, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू फास्टिंग के, अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, लाइक आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और आपको परमिशन मिल गई, देन अब यहाँ पे आपका जो काम है वो ख़त्म नहीं हो जाता. उसके बाद भी सर्टन ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको आपने देखना होता है. लाइक अगर डायबिटिक की बात की जाए तो ड्यूरिंग फास्ट उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जिसमें उनका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है. उसमें अगर 70 से बिलो ड्रॉप कर जाता है तो हम उसको कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, उनको अपना जो फास्ट है वो उसी टाइम ब्रेक करना पड़ता है. और सेकंड होता है कि उनमें हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, क्योंकि इनमें अगर ग्लूकोज लेवल कम हुआ है देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज ने जो है उसका लेवल राइज करना है. बट जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है कि ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाती है. उसके अलावा डिहाइड्रेशन एक बहुत मेजर इशू होता है जो डायबिटिक्स होते हैं. और देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो डायबिटिक्स के साथ होती है, विच इज़ नोन एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि जब आपने एक रोज़ा रखा हुआ है तो स्टार्ट में तो आपका ये होता है कि ग्लाइकोजन आपको ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक रिजर्व वगैरह प्रोवाइड कर देता है. लेकिन अगर आपका फास्ट जो है वो 12 आवर्स से एक्सीड कर रहा है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे होता है,
तो फिर आपको जो है वो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपके पास ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लीट हो जाता है। डायबिटिक्स में ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ, ग्लूकोज लेवल लो है, इंसुलिन भी लो है, वहाँ पर बॉडी क्या करती है कि आपकी जो फैट सेल्स होते हैं उनको मोबिलाइज करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो ऑक्सीडाइज होकर डिफरेंट कीटोन बॉडीज जो है वो फॉर्म करते हैं। अब वो कीटोन बॉडीज जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी यूज करती है, विच इज अ ब्लेसिंग कि आपकी बॉडी का एक प्रोसेस है। बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, वो फैटल है, और ये एक बहुत बड़ा बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए होती है, जिसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसकी डिफरेंट MNT में चीज़ें हम रखते हैं कि हम इसको जितना डिले कर सकें हम इसको करें। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ता है, इवन आफ्टर कि आपने रोज़ा रख लिया, उसके बाद भी अर्ली इन द मॉर्निंग आप एक दफ़ा कर सकते हैं, देन उसके बाद मिड डे पे या 12 PM 5 to 6 PM भी आप अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करें। देन इफ्तार से थोड़ी देर पहले करना चाहें, सब टू यू, आप करें, लेकिन इफ्तार के 2 घंटे बाद भी करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो इफ्तार किया उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ना हो रहा है। तो मिस, ये इतनी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हम जिस तरह बात करें कि आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी, थेरेपी के हवाले से भी, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें, जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है वो किस तरह काम करती है डायबिटीज़। बेसिकली अगर हम डायबिटिक्स की बात करते हैं और पर्टिकुलरली रमज़ान की, तो उसमें अब हमारे पास एक सहरी का टाइम होता है, देन उसके बाद प्रॉपरली फास्ट होता है, और देन उसके बाद इफ्तार होता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमने कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड करना है और हमने एक प्रॉपर हेल्दी वे में जो है वो अपना रोज़ा भी रखना है, तो सबसे पहले जब हम सहरी के ऊपर आते हैं तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि उसमें आप कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ब्रेक होने में टाइम लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक वो ब्रेक होते रहते हैं और आपकी बॉडी में ग्लूकोज रहता है। तो ये होता है कि जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी जब आपकी बॉडी के अंदर रहेगी तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो एक ये होता है, अब इसमें बहुत से लोग ये काम करते हैं कि वो प्रोटीन ले लेते हैं, उसके बाद फैट्स लेते हैं, उस पर उनका फोकस होता है, बट व्हाट दे निगलेक्ट के कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आपको कार्ब से मिलेगा और आपकी बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है वो आपको मिल्क से भी मिलता है, ठीक है, उसके बाद आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं सहरी में भी, और आप अगर आप लेग्यूम्स ले रहे हैं या लेंटिल्स ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है कि वो भी एक अच्छा फाइबर कंटेंट भी है और उनमें भी आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा। देन सहरी में ये भी कहा जाता है कि इवन कि आप खजूर भी ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट, बट अगेन डिपेंड अपॉन द चॉइस कि आपने वो नहीं लेनी जो बहुत सॉफ्ट है और फॉरन से आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करिए, आप थोड़ी सी हार्ड लें जिसमें फाइबर कॉन्टेंट भी ज़्यादा है और वो आपको लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद आपका जो इनिशियल होगा वो आप कार्बोहाइड्रेट पे ही होते हैं, और रेस्ट ऑफ द पीरियड जब आप बिल्कुल इफ्तार के करीब जाते हैं तब जाके ये होता है कि फिर आपके लिपिड्स जो हैं वो मोबिलाइज हो सकते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि इतना हम उसको रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्ब्स और ग्लूकोज पे जो है रिलाई कर सकें। देन आपने अपना जो शुगर लेवल है वो आपने चेक करते रहना है, और इसमें बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि क्या हम रोज़े के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपका रोज़ा टूट जाता है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। और आपने ये मेनटेन रखना होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 100 से 200 के दरमियान में ही रहे, अगर वो 100 से कम होकर 70 पे चला गया है तो तब वो एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, अब आपको अपना रोज़ा जो है वहाँ पे उसको ब्रेक करना है। देन आपने ग्लूकोज लेवल अपना मॉनिटर करना है। देन सहरी का के बाद जो इफ्तार है, इफ्तार के अंदर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई शुगर कॉन्टेंट या हाईली प्रोसेस फूड आइटम्स ना लें, या कैफीन होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स और ये जितनी भी कैफीनेटेड आइटम्स होती हैं ये इनका माइल्ड सा डायरियोटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम पहले ही बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है फास्टिंग में, तो हमने इसको अवॉइड करना है। अगर हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनका खुद एक डायरियोटिक इफेक्ट है और वो बॉडी से वाटर को स्प्रीट आउट करवा रही हैं, इवन दो कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है तो बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को आपकी एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन, तो वहाँ से भी वाटर का लॉस होता है। सो आपने अपने बॉडी के अंदर वाटर को प्रिजर्व रखना है। सो आप सिंपल जाएं, आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप सैलड, हेल्दी सैलड्स ले सकते हैं उसमें, एंड अगेन कि बहुत ज़्यादा आपने उस टाइम पे नहीं खाना,
क्योंकि हमारा ये देखने में आता है कि हम समझते हैं रमज़ान के अंदर जो है वो हमारा वेट कम होगा, बट वो नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और कभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट कल्प्रिट नहीं होते। एट द एंड ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो हम एक टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं, और उससे हमें ओबेसिटी हो रही होती है। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद वाटर इनटेक को अपनी ज़्यादा रखना है। इफ्तार और सहरी के टाइमिंग्स के दरमियान में जो आपके पास टाइम है, आप उसमें अपना वाटर इनटेक जो है वो उसको कम्प्लीट करें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे जाएं। आप थोड़ा खाएं इफ्तार में, बट थोड़ी सी ब्रेक लें, और उसके बाद जो है वो आप अपना डिनर कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल होल व्हीट चपाती ले सकते हैं, या कोई भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो ये है कि आप उसको फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स पर रखें, ओवर ईटिंग एक टाइम पर ना करें, बहुत ज़्यादा शुगर कॉन्टेंट ना यूज़ करें, और एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर लें। आई थिंक फिर आपको डायबिटीज़ कुछ भी नहीं कहती, और आप ईजिली उसको कर लेते हैं। और एक और एंड पे बात आती है कि आपने अपनी मेडिसिन का भी ख्याल रखना होता है, और जो मेडिसिन है वो रमज़ान में मीन आपके डॉक्टर चेंज भी कर सकते हैं, कि जो आप सुबह के टाइम लेनी है वो आप इफ्तार के साथ भी हो रही होती है, और जो इफ्तार रात के टाइम वाली होती है वो सहरी के साथ भी ली जा रही होती है। सो वो आपने अपना जो स्केड्यूल होता है और जो अपनी डोज होती है वो आपने सेट करवानी होती है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। सो आपको फिर कुछ भी नहीं होता, आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा एक है कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अगर अपनी डायबिटीज़ को ड्यूरिंग रमज़ान कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है वो हमें इन सब चीज़ों से हेल्प आउट करता है। लास्टली मिस, कोई मैसेज आप हमारे स्पेशली जो सुन रहे हैं लोग उनको देना चाहें? माफिया, एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि रोज़ा जो है वो हम रख सकते हैं, उसके बहुत से एडवांटेजेस भी होते हैं। जहाँ हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर बहुत सी रिसर्च है जहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो जो आपका LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। देन उसके अलावा एक और इफेक्ट होता है कि आपके जो बॉडी कॉम्पोजिशन है फैट सेल्स की, वो चेंज होती है, वो उस वाइट से ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बॉडी का ज़्यादा होगा, और आप में ओबेसिटी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ का। सो उसकी बहुत सी ब्लेसिंग्स भी हैं रमज़ान की, बट ओनली इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, और अगर हम प्रिकॉशंस लें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। सो डायबिटीज़ आई थिंक इज़ नॉट अ डिज़ीज़, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, क्योंकि इसकी जो प्रेवलेंस है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। सो इट्स गुड कि आप अपने आप को स्क्रीन करवाएं, और ये बहुत ही ईजी होता है कि आप कैसे उसको करवा सकते हैं। सिंपल आप अपने एक स्ट्रिप टेस्ट की वजह से भी आप पता करवा सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ तो नहीं है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कमिट टू बी फिट। थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जो लोग अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से गुजारना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू सो मच मिस कोमल अपना टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।